नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं हूं सारिका सक्सेना और आज आपके लिए एक वरिष्ठ साहित्यकार को लेकर आई हूं, जिनसे करेंगे कुछ बातें और उनसे जानेंगे। तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे ब्रजेश सक्सेना जी का। श्री ब्रजेश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार सभी लोगों को, हार्दिक जी ब्रजेश सर, आपको सर ही बोलेंगे, आप बहुत सीनियर हैं। सर ये नमस्कार। बताइए, आप अपना थोड़ा सा दर्शकों को परिचय दीजिए और कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम ब्रजेश कुमार ब्रजेश कुमार सक्सेना सक्सेना जी। है। सन श्री राम स्वरूप सक्सेना। जी मेरा जन्म मेरा जन्म 1 अक्टूबर 1950 नाम को हुआ को था। ग्राम हुआ था। जी सेना जो ग्राम सेना मैनपुरी में पड़ता है, में पड़ता है। जी, वहां मैंने वहां मैंने पांचवी पांचवी तक क्लास किया, तक क्लास किया। प्राथमिक जी में। जी उसके उसके बाद बाद 6वीं 12वीं तक नेशनल नेशनल इंटर कॉलेज इंटर भुवां से कॉलेज बारहवीं भुवां से बारहवीं पास किया। पास किया। जी, उसके बाद उसके बाद बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जी हरकोट हरकोट होटलर टेक्नोलॉजिकल होटलर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल कानपुर से किया, कानपुर से बीटेक। जी। और उसके और बाद उसके बाद मौलाना आजाद कॉलेज मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल टेक्नोलॉजी से, भोपाल वहां से जी मैंने थोड़ा वहां मैंने स्टडी किया, थोड़ा पोस्ट स्टडी किया। ग्रेजुएट जी पोस्ट डिप्लोमा ग्रेजुएट इन डिप्लोमा हेवी हेवी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जी हाँ, शिक्षा शिक्षा करने के बाद करने के मैंने बाद गुजरात मैंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गुजरात ज्वाइन बोर्ड में किया ज्वाइन किया। जी और वहां से और वहां मैं से मैं सुपरिटेंडिंग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरिंग से रिटायर इंजीनियरिंग हुआ। से रिटायर हुआ। ओके, आपका साहित्य से कैसे परिचय हुआ और किस तरह और कब हुआ? मैं जब छोटा ही मैं था छोटा तभी ही था तो तभी मुझे तो लगाव मुझे है इसमें, लगाव है इसमें। जी, तभी जैसे से मतलब जैसे मतलब 10 साल का जी। गणपति आप कवि वंशीधर शैदा और महान कवित्री महादेवी वर्मा जी की जन्म स्थली फरुखाबाद से है, क्या प्रभाव रहा जी। इनका आपके साहित्य से और आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, इनका मैं इनका महान मैं मानता हूँ महान कि मानता उनका हूँ कि जन्म उनका नहीं हुआ जन्म है नहीं हुआ और है मैं और मैं उनकी उनकी प्रेरणा से प्रेरणा हाँ से जी जी आगे बढ़ा हूँ। आगे बढ़ा हूँ। जी, आपके लेखन में मतलब उन कवित्रियों का, कवि साहब का कोई प्रभाव दिखाई देता है? वो मेरा वो मैं मेरा निर्देश मैं समाज के निर्देश समाज ऊपर के है, ऊपर है। जी प्रेम व्यवहार प्रेम और व्यवहार और भाईचारा बनाना बनाना और राष्ट्रीय जी का राष्ट्रीय अनुभव का करना, अनुभव करना जी मानवता और को मानवता को समझना, समझना जी दूसरों का सम्मान दूसरों का करने का, सम्मान किसी करने के का साथ किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं गलत करने व्यवहार नहीं का, करने का जी। ऐसे ऐसे विषयों पर ऐसे विषयों पर मेरा मेरा ध्यान ध्यान रहे। जी। आप एक साइंस स्टूडेंट है, एक आप इंजीनियर हैं, तो जी। कैसे आपका साहित्य की तरफ रुझान हो गया? क्योंकि साइंस और साहित्य का कोई लेकिन मेल नहीं है। मैं छोटा था लेकिन तभी से, छोटा था पांचवी तभी से क्लास में था पांचवी क्लास में था तभी तभी से जी, से यानी कि मेरा आप लगाव है। मेरा लगाव है। बचपन से ही आप कविताएं लिखते थे? जी। जी, वो कविता वो लिखी कविता बहुत, लेकिन लिखी बहुत व्यक्तिगत लेकिन कुछ नहीं, व्यक्तिगत कुछ। जी। अच्छा, मतलब आपकी प्रसिद्ध पुस्त करने के प्रसिद्धि होने के लिए लिए जी ऐसा जी कुछ नहीं, मेरा ऐसा कुछ अपना नहीं, अंदर मेरा अपनी अपना हॉबी मेरा जैसा था। हॉबी जैसा। अच्छा, आप केवल काव्य लिखते हैं कि गद्य भी, कहानी उपन्यास, कोई कौन सी विधा में नहीं, आप लिखते हैं? लेकिन मैं केवल अभी 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 कविताएं लिखता हूँ, कविताएं लिखता कविताएं हूँ कविताएं गजल। गजल। जी, आपकी जो जी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिंदगी, जी जी क्या है वो पुस्तक? उस पुस्तक के विषय में कुछ आप बताइए। बस इस पुस्तक में इस मेरी पुस्तक में मेरी बड़ी बड़ी कविता है, कविता गजल है, गजल है जी, है, और ये समाज और ये समाज का का उसमें उसमें जिंदगी के बारे में जिंदगी जी, कैसे जिंदगी जीना कैसे चाहिए, जीना दूसरों चाहिए, की ज्यादा दूसरों सम्मान चाहिए, की दूसरों का व्यवहार करना चाहिए, ज्यादा और सम्मान चाहिए, कर्तव्य और क्या है, कर्तव्य क्या है जी, दूसरों को कर्तव्य दूसरों मिला को है कर्तव्य उसे मिला सुरक्षित उसे रहना सुरक्षित पड़ा, रहना हो जी। और तो ये कमी किसी पुस्तक के किसी साथ के साथ जी, ये पुस्तक दर्शक पढ़ना दुर्व्यवहार चाहेंगे तो कहाँ पढ़ सकते हैं? ये मेरा ये अमेजन मेरा पर अमेजन और पर मिलता और मिलता है, फ्लिपकार्ट है, पर मिलता फ्लिपकार्ट है, पर मिलता है जी। और और मैं भी एक मैं दूसरी भी पुस्तक एक और दूसरी पुस्तक सुन और रहा सुन रहा है जी।
उसका नाम होगा हम जी, हाँ, उसमें दो सौ उसमें सात दो सौ सात गजलों का समावेश है। जी वो एडिट वो वही एडिट मेरा वही मेरा तैयारी किसको दिया जाए। किसको दिया जाए। जी, ये हम सभी एक जो पुस्तक है आपकी, तो इसमें केवल जी आपकी रचना है कि और भी कवियों की साझा संग्रह है? केवल मेरी, केवल केवल मेरी आपकी कविताएं। जी। आपने कभी कहानी और उपन्यास लिखने का प्रयास नहीं किया? प्रयास किया प्रयास नहीं, किया लेकिन नहीं, इधर लेकिन ज्यादा लगा सीख रहा जी। जी। तो आप ये मानते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो ज्यादातर कहानी और उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं और कविताएं पढ़ना कम पसंद करते हैं? वो भी लिखेंगे वो भी अभी, एक लिखेंगे अभी दिन एक सर्दी दिन सुलझाए सर्दी वो, सुलझाए वो जी उसके बाद उसके बाद देंगे उस पर। देंगे इस पर। जी, कहते हैं साहित्य है समाज का दर्पण होता है, क्या कहना होगा आपका इस विषय में? जी, आप बिल्कुल हाँ सही आप कह रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। जी, नहीं, तो आप इस विषय पे क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, बस कुछ और? मैंने मेरी मैंने जो मेरी किताब जो होती है किताब वो होती इसी है पर वो विषय इसी पर विषय मेरा टॉपिक भी मेरा होगा, टॉपिक भी होगा मार्किंग जी होगा। जी जी अच्छा, आप तो हालांकि कविता लिखते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना मानते हैं कि साहित्य में, चाहे वो काव्य हो या गद्य हो, उसमें व्याकरण का या भाषा का या आपकी शैली का कितना महत्व होता है? नहीं, काफी बहुत महत्व होता है बहुत महत्व शैली होता है का। शैली वो का, आपको क्या लिखा है क्या लिखा उसको है समझना उसको समझना होगी पाठकों होगी को, पाठकों उसको को। जी तभी तो बिल्कुल, अच्छा है तभी कि तो जो आपने अच्छा है जो लिखा है आपने वो लिखा समझने है का वो जो आपका समझने का व्यर्थ जो है। आपका व्यर्थ है। जी अच्छा, उनके ये दिल में बताइए उनके सर, दिल में तो उतरना चाहिए। जी ये बताइए सर कि जो आजकल का जो साहित्य है, चाहे वो काव्य हो गद्य हो, उसमें फूहड़ता और अश्लीलता बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो बहुत ही ऐसे ज्यादा, बहुत ही समय ज्यादा। जी ऐसे समय में शुद्ध साहित्य, अच्छा साहित्य हमारे समाज से वंचित हो जा रहा है, क्या राय रखते हैं आप अपनी इस बात पर? आप लोग सही कह आप रही लोग हैं, सही कह लोगों रही का हैं, ध्यान लोगों नहीं, का जो लोग ध्यान नहीं है वो जो रोक है वो वो जी दिशाहीन वो हो रहे हैं, दिशाहीन हो रहे जी, और जो और असली जो जुबान है असली उसकी जुबान भी है अभी उसकी भी पड़ पड़ रहे हैं जी। तो आप मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा कारण हम लोग की जागरूकता में कमी या शिक्षा का हाँ। अभाव भी है? शिक्षा तो है शिक्षा लेकिन तो है जागरूकता लेकिन नहीं है। जागरूकता जी, हम लोग सब लोग हम लोग सब जानते लोग हैं जानते लेकिन हैं मानते लेकिन नहीं है। मानते नहीं है जी सभी बिल्कुल, पहले से सभी ज्यादा पहले से ज्यादा परेशान परेशान है, समय से हम है, लोग समय से हम लोग को जीवन अनुसरण को नहीं करते। अनुसरण नहीं करते जी। अच्छे सर, आपकी कौन से पसंदीदा कवि हैं या लेखक हैं, और कौन सी रचना आपको उनकी बहुत ज्यादा पसंद है? पहले हम मुंशी प्रेमचंद मुंशी हैं प्रेमचंद उनकी हो ज्यादा गए, उनकी किताबें ज्यादा पढ़ी, किताबें पढ़ी, जी रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी, शायर शायर लुधियानवी, लुधियानवी जी, इनकी जो इनकी जो गोपालदास जी गोपालदास नीरज गोपालदास नीरज जी, बिल्कुल। आपने अपने जो कविताएं हैं उनका जी। कभी काव्य पाठ नहीं किया किसी, मतलब काव्य गोष्ठी में कभी आपका जाना हुआ हो? वो क्या, मेरा वो क्या जो मेरा कविता जो है गुजरात कविता में है था, गुजरात में था, जी तो वहां हिंदी तो लोग वहां कम हिंदी लोग कम बोलते हैं, बोलते तो मेरा हैं, मेरा क्या क्या पावर प्लांट में पावर प्रेजेंट प्लांट में था, प्रेजेंट था जी, तो काफी तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी ड्यूटी। ड्यूटी जी। तो इधर हम ध्यान इधर कम हम ध्यान दे कम रहे थे, जी, तो मैंने जो तो पूरी मैंने जो नौकरी है पूरी नौकरी है गुजरात वो में की, गुजराती में जी, और रिटायर होने और के बाद रिटायर होने के मैं बाद औरंगाबाद औरंगाबाद में आ गया जी में आ जी गया, तभी से तभी थोड़ा से काम इतनी थोड़ा काम खराब इतने में हो दाग गया हो रहे थोड़ा जी। है। तो आप कोई अपनी कविता जी आज हमको यहाँ सुनाना चाहेंगे, दर्शकों को जी कुछ जी सुनाइए जी सुना रहे जी आपको सुना रहे आपको जी। सबकी चाहत सबकी है मुस्कुराने चाहत है की, मुस्कुराने की जी, सबकी चाहत सबकी है चाहत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, बात क्यों बात होती दिल क्यों होती दुखाने दिल की, दुखाने की, बात तो बात करते तो करते साथ रहने साथ की, रहने की जी
पूछते रहते हैं रहते हैं जी। यह चमन एक चमन एक दिन बहकेगा, यह चमन एक दिन बहकेगा, ख्वाहिश दिल में हो बुलाने की, कुछ होकर कुछ हुआ हासिल करना ख्वाहिश सभी की, करना ख्वाहिश सभी की पाने की, हर वफा का हासिल, हर वफा हर वफा का मिला, यह तो फितरत नहीं फितरत नहीं जमाने की, याद आती है सारी अब बातें, अब बातें कोसते जब हुई जब हुई बुलाने की, ऐतबार ऐतबार कैसे करेगा सुनी बातों का, बातों का दास्ता हो जो छोड़ छोड़ रिश्ते नाते वफा, बात आती है जब निभाने की। बहुत को बहुत अच्छी लिखी है आपने कविता। और आप जी आप मूलतः कविता लिख जी फूल बोलिए फूल बोलिए हाँ हम कह रहे हैं आप मूलतः कविता लिखते हैं, शेर है, छंद, दोहा, सोरठा, बड़ी कविता है, किस में मूल रूप से किस में ज्यादा आप लिखते हैं? जी जी मूल रूप से मैं कविता ही लिखता हूँ। अच्छा कविता ही लिखते हैं जी। अच्छा आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, आपकी जो पुस्तक भी प्रकाशित हुई है जिंदगी, और आप प्रकाशित होने वाली हम सबके एक है, इसमें आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है और आपके दिल के बहुत करीब है? वो मैं आपको सुना रहा हूँ जी। राह भूले को दिखाई बात बने जी, राह भूले को दिखाई बात बने, गिर गया उसको उठाओ तो कोई बात बने जी, हाथ से हाथ से हाथ मिलावा है जी, हाथ से हाथ से हाथ मिलावा है, दिल से दिल भी मिलाओ भी मिलाओ तो कोई बात बने। वाह ये जो रिश्ते हैं रिश्ते ही जा रहे हैं, इन्हीं रिश्तों को निभाओ तो कोई बात बने जी, फसल काटों काटों की लगाकर कांटे ही कांटे ही मिलेंगे, फसल काटों की काटों की लगाकर लगाकर कांटे ही मिलेंगे, अमन का फूल खिलाओ कोई बात करे, अमन का फूल खिलाओ खिलाओ कोई बात करे, कितने तनहा तनहा है यहाँ लोग पराई बनकर, पराई बनकर इतने तनहा है तनहा है किसी को अपना अपना बनाओ तो बात करे, वाह कुछ नहीं कुछ सीखा नहीं सीखा यहाँ हमने किताबें किताबें पढ़कर, प्यार का पाठ पढ़ाओ बात करे, बहुत खूब कोई दिल में ना बसा मैं ना बसा तो कोई बात नहीं, बात नहीं किसी का दिल ना दुखाओ तो कोई बात तो कोई बात बने, आखिरी है आखिरी है जी, दूर रहकर के रहकर के बनती बपा जी। मेरा नाम भंग शर्मा बोलते हैं जी। हाँ बहुत दूर रहकर के बनती बपा जी, साथ में साथ में अब जाओ तो जाओ बात बात जी। बहुत को बहुत सुंदर कविता है और एक एक भाव बहुत उसका अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है। सर ये बताइए कि आजकल तकनीकी बहुत विकसित हो चुकी है, इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन ही सब कुछ आज पॉसिबल है, हमारे पास ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे हम अपने लेखन में कार्य कर सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, ऑनलाइन में भी पुस्तक उपलब्ध है,
तो ऐसे में क्या लोगों का पुस्तकों के प्रति रुझान कम नहीं हो गया है? और अगर हम जैसे हमने आपकी पुस्तकें छपी, क्या आपको जी। लगता है कि आपकी पत्रिकाएं वो पढ़ी जाएंगी? क्या सोचते हैं आप इस विषय में कि ऑनलाइन और जो होती है प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? ऑनलाइन से काफी मेरे हिसाब से जी लगभग 90% प्रभाव खत्म हो गया है। जी पहले का पुस्तकों पहले का धर्म पुस्तकों पुस्तक धर्म लाइब्रेरी पुस्तकों बना के लाइब्रेरी रखते बना थे, के रखते थे, हम कोई दिन रखते हम ही कोई नहीं, दिन हम रखते ही नहीं, गिना हम जी चुना सब गिना मोबाइल चुना से वो सब काम मोबाइल चला से लेते काम हैं। चला देते। बिल्कुल, सब मोबाइल से ही काम चल रहा है। हाँ, और हाँ, किताबों के और प्रति किताबों के रुझान प्रति बहुत कम हो रुझान गया बहुत कम हो गया। जी, है। और एक चीज और भी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास साहित्य के लिए। पहले क्या जी होता था कि लोग अपने डायरी में कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे, और उनको उनके पास सभी के पास एक छपवाने का, उसको प्रकाशित करवाने का एक ऑप्शन नहीं होता था। और जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, लोगों की ये परेशानी जो है दूर हुई है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कुछ हद तक फायदेमंद भी साबित हुआ और बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं भी सामने आई हैं। वो फायदेमंद है, वो मतलब फायदेमंद है, किस मतलब तरह हम उपयोग किस करना तरह चाहिए उपयोग उसमें करना फायदे चाहिए उसमें मिलेंगे। फायदे मिलते हैं। जी, अपनी बात आप अभी अपनी आप बात अभी आप सोशल मीडिया में कह सोशल सकते मीडिया हैं में आप, कह सकते हैं आप, जी, और पहले इसका और पहले विकल्प इसका नहीं था। विकल्प नहीं था। बिल्कुल, पहले कोई जी विकल्प नहीं था हमारे पास। जी सर, आप एक सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं और साहित्य की भी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो कैसे, जी क्या है उस संस्था के बारे में कुछ विषय में बताएं आप हमको। वही वही संस्था यही सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक मतलब कार्यकर्ता, मतलब महापुरुषों की महापुरुषों की जयंती आ गई है जयंती या आ गई जन्मदिन है है, या जिनका जन्मदिन उनका, निर्वाण जी दिवस, उनकी तो उनकी मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखते उनकी हैं सभी लोगों उनकी, सभी जी लोगों को सभी लोगों को इकट्ठा इकट्ठा करके अपनी करके बात कर बताते बात हैं कर उनके बारे बता में, दें उनके उनकी बारे में, जीवनी के उनकी बारे में, जीवनी के बारे में, और उन्होंने जी उन्होंने कैसे काम कैसे काम किया और यहाँ किया और तक यहाँ कैसे तक कैसे पहुंचे, पहुंचे, उनका सब जी बताते उनका सब हैं। बताते इसे हैं, इसे प्रेरणा प्रेरणा मिलेगा मिलेगा आपको आपको अपनी अपनी किताब से। जी। और और आप सही राह किसी पर सही चल राह रहे पर चल है। जी साहित्य मंच से भी जुड़े हैं। हुए हैं आप, राष्ट्रीय जी कायस्थिकता मंच के साहित्य परिषद से, जी तो जी जी उसमें किस तरह से कार्य होते हैं कुछ? कार्य मतलब कार्य जिस तरह मतलब होना जिस चाहिए तरह उतना होना नहीं चाहिए उतना होता नहीं होता जी, मतलब शुरुआत मतलब जैसी है, शुरुआत मतलब जैसी है, मतलब उसका मतलब उसका कौन मतलब शुरू कौन करे इसके शुरू ऊपर करे इसके रहता ऊपर रहता है। है। जी, कोई अभी अपने को नए आपके सबमिट साहित्य के करेगा सबमिट होना करेगा चाहिए, वो होना ऐसा नहीं होता। चाहिए, ऐसा नहीं होता। जी यस सर, जी, अभी ये बताइए कि आपके साहित्य के अलावा और क्या-क्या शौक है, क्या कैसे आप समय पास करते हैं, अपना खाली समय कैसे बिताना चाहते हैं साहित्य के अलावा? वो मैं मोस्टली तो मैं मेरा मोस्टली राइटिंग तो रहता मेरा है और राइटिंग रहता दूसरा है और दूसरा वो वो घूमने में घूमने रुचि रखता हूँ, में रुचि जी। तो मतलब आपने अपने जी सभी देखने का सभी धर्म स्थल देखने का धर्म स्थल देखने का दूसरा और धर्म साधन जी, उसमें तो आप घूमने में काफी टाइम उसमें व्यतीत काफी टाइम होता व्यतीत होता है। है जी। अच्छा, ये सर नवोदय लेखक जो है, आजकल के जो नए लेखक हैं, कुछ एक अच्छे साहित्यकार बन सके, कुछ ऐसे सुझाव दीजिए कि एक अच्छी रचना लिखने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आजकल के जो नए लेखक और नए कवि हैं वो एक अच्छे साहित्यकार बन सके, उस विषय पे कुछ बताइए, कुछ रोशनी दीजिए जिससे हमारे दर्शकों को कुछ लाभ हो सके। वो जब उनको लिखना है तो उनको ये सोचना चाहिए ये सोचना कि चाहिए कि हमको दूसरों से क्या हमको दूसरों से चाहिए, क्या चाहिए, जी वो जो हमको वो चाहिए जो वो हमको उनको चाहिए ही वो देना उनको ही चाहिए, देना चाहिए जी, तो उनका ख्याल तो रखते उनका हुए ध्यान उनको रखते हुए सोचता उनका मैं अगर बुरी बात अगर नहीं है बुरी तो बात नहीं है तो प्रेरणा मांगा प्रेरणा हो, मांगा हो, जी, मतलब सभी मतलब अच्छे सभी अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, अपने रास्ते पे चल कर्तव्य रहे का हैं, अपने पालन कर्तव्य करें, पालन करें और जो और उनको जो काम उनको करने का काम मिला करने है का ड्यूटी मिला मिला है है ड्यूटी उनको मिली अच्छे है निर्वाह उनको अच्छे करें, निर्वाह करें, जी ये ऐसा है। किसी ऐसा है, को गलत किसी को गलत मत समझना, मत किसी के समझे, साथ किसी के क्या साथ मत रखना, क्या मत रखता है जी, मान लो कोई मान खराब लो है कोई तो उसको खराब है तो सुधारने का उसको प्रयत्न सुधारने का करें, प्रयत्न करें जी, तो उसको मैं लूट में उसको कैसे मैं ला लूट में सकता हूँ, कैसे ला सकते हैं जी, वो वैसी भावना वो रखना वैसी चाहिए, भावना रखना वैसा चाहिए, वैसा बोलना बोलना चाहिए। चाहिए,
जी और वैसे ही और अपने वैसे ही अपनी एग्जाम में एग्जाम में उसका उल्लेख होना चाहिए। जी, जी एक साहित्यकार के लिए समीक्षा और आलोचना कितना महत्व रखती है? ये जरूरी है। साहित्य में जरूरी है उसे उसे मालूम पड़ जाता है क्या मालूम पड़ जाता है कमी है। क्या कमी है। जी, हम अपनी हम कमियों अपनी को कमियों को आलोचने आलोचने से दूर कर से सकते हैं। दूर कर सकते हैं। जी, मान लो किसी ने मान लो हमें किसी ने लिखा हमें लिखा हमें पसंद आपने नहीं आया ऐसा तो होना चाहिए ये होना चाहिए, तो वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं सुधार करके। आलोचना जरूरी है, लेकिन कह सकते हैं आलोचना कि हो आलोचना आलोचना होना आलोचना जी कह सकते हैं चाहिए, कि मतलब साहित्यकार के लिए उसका सुधार। जी कह सकते हैं कि साहित्यकार के लिए आलोचना और समीक्षा ही उसका पुरस्कार है। हाँ जरूरी होनी हाँ जरूरी चाहिए, नहीं होनी इतना आगे चाहिए। बढ़ने नहीं के इतना लिए तो वो बढ़िया जो लेकिन वो कर रहे हैं वो कुछ सही कर है रहे हैं वो गलत सही है गलत काम है क्या है काम क्या है। वो जी मालूम वो तो पड़ेगी। मालूम पड़ेगी। जी अच्छा, आप सर ये बताइए कि जो लेखक या कवि होते हैं आमतौर पे क्या होता है कि उनके पास आमदनी का कोई, लोगों के मन में जो एक छवि होती है कि कवि हैं तो वो कुर्ता पैजामा पहने होंगे, झोला उठाए होंगे, पुस्तक उठाए होंगे, कहते हैं लोग कवि पागल हैं, उनकी आमदनी नहीं होती। हाँ क्या ये विचार सही है और आज के परिवेश में क्या ये सही है कि क्या कहेंगे आप इस विषय पे? लगभग तो 50% तो लगभग सही है, तो 50% तो यही सही है, विचार यही लगा रहे हैं विचार वो लगा रहे हैं। जी, क्या कवि का भावुक सभी का बहुत भावुक होता है, बहुत वो होते हैं। दूसरों का तो नहीं दूसरों सह का तो नहीं सकते, सह शायद सकते, शायद वो खुद दूसरों को को दुख नहीं सह सकते, दूसरों का मिलते, तो दूसरों अपना का दुख तो अपना समझते दुख हैं। समझते। जी, और किसी से कैसा उनका लगा, बदला कैसा लेना लगा इसलिए आपको हमारे तो चैनल पर आकर? बहुत अच्छा लगा बहुत हुआ है। अच्छा लगा हुआ। जी, कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? वो हम सबको हम जिंदगी सबको मिली है, जिंदगी दुख मिली है, दुख दुख ये तो आते ही ये तो रहते आते हैं, ही रहते हैं। जी, हमको उनका हमको मुकाबला उनका करना मुकाबला चाहिए करना चाहिए जी और आगे और बढ़ना आगे चाहिए। बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारे सफलता जरूर इंडिया मिल जाएगी एक्सप्रेस, हमें। जी हमारे इंडिया एक्सप्रेस के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कुछ बताना चाहें तो बताइए। सभी दर्शकों को यही है कि जी जिंदगी अच्छी तरह जिए और और कोई कोई कमी कमी महसूस नहीं महसूस करे। नहीं कर रहे हैं। जी मेरी मेरी एक एक कविता कविता है, जी, जो जो मिला जो मिला कुछ जो मिला कुछ मिला वो किसी से वो कम किसी नहीं, से जो कम नहीं। जी, अगर जो अगर मिलके मिलके चला जाए तो चला कोई जाए गम तो कोई नहीं, गम नहीं। जी, जख्म कैसे जख्म भी हो कैसे भी हो भर भर जाएंगे एक जाएंगे दिन, एक दिन, जो अगर जो अगर मानो मानो कोई कोई मरहम नहीं। मरहम नहीं। जी, बोलिए बहुत और अच्छी कर आगे तो जी। तू अकेला तू चल अकेला चल जी, आज आज कोई कोई राहों में नहीं, राहों में नहीं, कारवां कारवां बन बन जाएगा जाएगा आज जो हमदम आज जो नहीं। हमदम नहीं। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता लिखी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपसे जानने को मिली। तो दर्शकों, ये थे हमारे सामने अभी कवि। मैंने एक जी एक आखिरी एक कविता है आखिरी वो हमने कविता है दिवाली वो पर हमने दिवाली लिखी पर लिखी थी। थी। जी, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हाँ तो सुना, प्रतिज्ञा तो सुना। जी हाँ, बिल्कुल सुनाइए। हर अंधेरे हर में अब अंधेरे में अब रोशनी आई, रोशनी आई, जी हर हर अंधेरे में अब अंधेरे में अब रोशनी रोशनी आई, आई, बैर के बैर बदले के बदले आसनाई आसनाई आई। जी, खो गई खो जाने गई कहाँ जाने गुम कहाँ तो है, खून तो है, खो खो गई जाने गई कहाँ जाने गुम तो कहाँ है, खून तो है, मुस्कुराती मुस्कुराती हुई फिर हुई से फिर जिंदगी से आए। जिंदगी आए। वाह, आगे जिंदगी आगे का जिंदगी चमन का चमन ना मुरझाए ना कभी, मुरझाए कभी, जिंदगी का जिंदगी चमन का चमन
ना मुरझाए कभी, रंजो गम छूटे और खुशहाली आए, सबकी पूरी मुरादें हो जाए वफा, सबकी पूरी मुरादें हो जाए वफा, कोई ना तेरे दर खाली आए। वाह, आप मोबाइल से कविता पढ़ रहे थे लग रहा है। हाँ हाँ सभी इसी में है संग्रह। जी 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 तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करी दर्शकों से। बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। और दर्शकों, सर ने एक पुस्तक प्रकाशित लिख जो कि प्रकाशित हो चुकी है जिंदगी, उसको आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे पढ़ सकते हैं। और दूसरी पुस्तक आ रही है हम सब एक है, उसको भी आप बहुत जल्द पढ़ पाएंगे, जिसमें बहुत सारी कविताओं का संकलन है। तो हम सर का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वह हमारे चैनल पे आए और हमें अपना कीमती समय दिया। और अब दर्शकों, हम आपसे चाहेंगे आज्ञा, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी पल एक नए शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।